मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर के देखो अपने पांच पार्ट हैं। अपन ने कल तीन पार्ट कर लिए। बिजनेस लेटर अपन ने कर लिया, बिजनेस मैसेज कर लिया, बिजनेस रिपोर्ट कर लिया। आज अपन इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में मैं आपको एक और बार इस चैप्टर की समरी दे दूंगा, ठीक है, कि इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या करा। पांच पॉइंट से ये चैप्टर बनता है। इसका नाम है बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस बोले तो एक्ट ऑफ राइटिंग एन लेटर, ठीक है। अब अपन करते हैं इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। देखो मेरी बात, डिपार्टमेंट के अंदर ये बिजनेस लेटर और बिजनेस मैसेज तो हो गया, रिपोर्ट भी हो गया। डिपार्टमेंट के अंदर एक कंपनी के अंदर कम्युनिकेट करने का और तरीके, कम्युनिकेट करने के क्या तरीके, इंटर कम्युनिकेशन मतलब कंपनी के अंदर, और इंट्रा बोले तो एक दूसरे कंपनी में, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। और ये क्या है, ये है विद इन द कंपनी, विद इन द कंपनी, ठीक है। तो अपन ये कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात, इसमें तीन है इंटर में, विद इन द कंपनी, सॉरी टेबल हिल रही है, विद इन द कंपनी में तीन है, वन टू थ्री। पहला है मेमोरेंडम, दूसरा है ऑफिस सर्कुलर, तीसरा है ऑफिस नोटिस। तो अपन पहले इसको करते हैं, और इंट्रा में तो एक ही है, ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखो मेरी बात, इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन ये सब छोड़ो। डॉक्यूमेंट, वेरियस डॉक्यूमेंट्स वर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन ऑफ दिस टाइप, मतलब बहुत तीन चीजें हैं इंटर के अंदर जिससे अपन कम्युनिकेशन किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक कंपनी में कर सकते हैं। पहला वे है मेमोरेंडम, दूसरा वे है ऑफिस सर्कुलर, और तीसरा वे है ऑफिस ऑर्डर। मेमोरेंडम का मतलब इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर एड्रेस, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं आता। जब अपन मेमोरेंडम लिखते हैं, अभी अपन मेमोरेंडम का फॉर्मेट देखेंगे, उसके अंदर इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं आता, ठीक है। इसमें इनफॉर्मल टोन थोड़ी अलाउड होती है, और ये एक इंडिविजुअल को एड्रेस्ड होता है। देखो मेमोरेंडम कंपनी के अंदर एक इंडिविजुअल को एड्रेस्ड होता है, और जब ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरी कंपनी के सारे मेंबर्स को एड्रेस हो या लार्ज ग्रुप को एड्रेस हो तो उसके अपन बोलते हैं ऑफिस सर्कुलर। इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। व्हेन एन इंफॉर्मेशन आर नीडेड टू बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज ऑफिस सर्कुलर, और इसमें भी सैल्यूटेशन नहीं आती। देखो मेमोरेंडम अपना लेटर जैसा ही होता है, पर इसमें इनसाइड एड्रेस, जब भाई कम्युनिकेशन अपन एक कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं तो क्या कंपनी का एड्रेस लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कंपनी के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है। सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज अपन इसमें नहीं लिखते, ठीक है। तो मेमोरेंडम क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, और एक इंडिविजुअल के लिए होता है। ऑफिस सर्कुलर क्या होता है, जब मेमोरेंडम बहुत सारे लोगों को लिखा जाए तो वो ऑफिस सर्कुलर बन जाता है। और ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, ये थोड़ा फॉर्मल ऑर्डर होता है। ऑर्डर बोले तो रेजिग्नेशन, प्रमोशन, जो ऑफिशियल होता है ना, काफी ऑफिशियल होता है, उसे अपन ऑफिशियल ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। फॉर्मेट इज सिमिलर टू मेमोरेंडम विद डिफरेंट पर्पस एंड डील्स विद द मैटर अफेक्टिंग द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ कंपनी। देखो फॉर्मेट इनका सबका सेम है। यार एक बात बताओ, लेटर लेटर तो एक लेटर का फॉर्मेट अपन ने देखा बिजनेस लेटर का। जब अपन एक कंपनी के अंदर ही बात कर रहे हैं तो इनसाइड एड्रेस की क्या जरूरत है, सैल्यूटेशन की क्या जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज की क्या जरूरत है? तो इन तीन चीजों को हटा दिया है। मेमोरेंडम थोड़ा इनफॉर्मल टाइप हो सकता है, और ये एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है। ऑफिस सर्कुलर ये लार्ज ग्रुप के लिए होता है, और इसका भी मेमोरेंडम जैसा होता है। ऑफिस ऑर्डर फॉर्मल होता है, इसमें इनफॉर्मेलिटी की कोई बात ही नहीं है। ऑर्डर का मतलब ही यही है, ऑर्डर ऑर्डर मतलब ऑर्डर है, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऑफिस ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इसकी टोन हो गई, हमारी टोन हो गई फॉर्मल, जैसे ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन के लिए हो गया। अब देखो इंट्रा जो दूसरी वाली होती है ना, कि दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होती है अपनी ऑफिस नोट्स। दे आर द एक्सचेंज बिटवीन द टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द फॉर्मेट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी और दूसरी कंपनी पे डिपेंड करता है। अब देखो मेरी बात, अपन ने इंटर एंड इंट्रा, इंटर बोले तो विद इन द कंपनी, विद इन द कंपनी बोले तो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बोले तो
असाइन टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, सैल्यूटेशन, एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज हटा दिया जाता है। इट इज़ असाइन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब लोगों के लिए ऑफिशियल सर्कुलर है जो नोटिस बोर्ड पे अपन ने लगता है ना, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए असाइंड है, ठीक है, इग्नोर दैट साउंड। और अपना ऑफिस नोटिस, ऑफिस नोटिस क्या होता है, ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है, प्रमोशन हो गया आपका, ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है। और इसमें टोन क्या होती है, इसमें टोन हमारी फॉर्मल टोन होती है, ठीक है, इन दोनों में थोड़ी इनफॉर्मल टोन चल सकती है और इसमें फॉर्मल टोन होती है, ठीक है, आप सुनो मेरी बात। और जो ये इंट्रा होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी का, इसका क्या है, इसका है ऑफिस नोट। ऑफिस नोट का कोई फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट ऑफिस नोट का नहीं है, ये एक कंपनी और दूसरी कंपनी पे डिपेंड करता है वो कैसा लिखती है, ठीक है। हाँ तो देखो अपन ने ये कर लिया, ये इंटर इंट्रा कर लिया, अब अपन MIS कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बाद अपना लास्ट क्या बच रहा है, MIS, नहीं उससे पहले अपन इंटर इंट्रा मॉड्यूल से दिखाता हूँ। देखो इंटर इंट्रा यही चीज़ लिखी है, उसके बाद है ना मेमोरेंडम क्या होता है ये लिखा हो, मेमोरेंडम का एग्जाम्पल दिया। अब देखो लेटर का फॉर्मेट ही है, एड्रेस हटा दिया, सैल्यूटेशन हटा दिया, दो तीन चीज़ें हटा दी, है लेटर ही, ये फॉर्मेट ध्यान नहीं रखना, ये कुछ भी कोई फॉर्मेट थोड़ी पूछेगा, अपना MCQ बेस्ड पेपर है, ठीक है। ये सब तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल दे रखे कि ऐसा होता है। ऑफिस सर्कुलर के अंदर क्या होता है, सब कुछ वही होता है, बस वो लार्ज नंबर को असाइंड होता है, बहुत सारे लोगों को देते हैं, तो ये ऑफिस सर्कुलर का फॉर्मेट हो गया, कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एज ए एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर कोई ऑफिशियल ऑर्डर है, प्रमोट हो गए आप, चीफ मैनेजर बन गए, आपको ये पोस्ट मिल गई, तो ये सारी चीज़ें अपने ऑफिशियल ऑर्डर के अंदर आ गई। इसके बाद अपना आ गया, इसके बाद अपना ऑफिस नोट्स आ गए, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है, ठीक है। इसका स्पेसिमेन हो गया कि स्टॉक टेकिंग फॉर द ईयर, एक मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आ रही है, स्पेसिमेन दे रखे हैं, इनमें से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग, नहीं पूछ सकते, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सब हो गया। अब देखो MIS करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एक मिनट, अपना फोर्थ पॉइंट बच रहा है, फिफ्थ पॉइंट बच रहा है लास्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट रुको, इससे करते हैं पहले MIS होता क्या है। देखो MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो एक कंपनी को फंक्शन करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। जब कंपनी पॉलिसी बनाती है ना MIS, तो जो इसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट बोले तो जो कंपनी को चलाता है, जो CEO हो गया, इन सारे लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती है, तो इसको अपन सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती है पॉलिसीज बनाते टाइम। अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई नई पॉलिसीज बना रही है, तो वो पहले चेक करेगी कि वो प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के अंदर होगा, उसके लिए किस एज ग्रुप में वो प्रोडक्ट फेमस हो सकता है, मतलब लोग ज्यादा कौन से एज के क्या चीज पसंद कर रहे हैं, तो ये सब उनको कौन बताएगा, ये सब उनको इंफॉर्मेशंस बताएगी। इंफॉर्मेशंस कहाँ से आएगी, जो उनके डेटा रिसोर्सेज है वो उनको प्रोवाइड करेगी, जो उनका सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा कि हमारी सेल्स इतनी हुई, हमें इतने का प्रॉफिट हुआ, और हमारे सर्वे में हमें ये पता लगता है कि 50% जो 18 से नीचे वाले लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो हमें इन लोगों को टारगेट करना है। तो मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है अपने डिसीजन मेकिंग में, तो इसको ही बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी अपन और ढंग से कर लेगी, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है, MIS के अंदर भी बहुत ईजी है। अभी देखो, इट इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। MIS होता क्या है, एक सिस्टम है जो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोले तो कंपनी जो चलाते हैं उन लोगों को मदद करता है कि आप ऐसे इस पॉलिसीज को बनाओ, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो फॉर मेकिंग डिसीजंस एग्जीक्यूटिव्स नीड द इंफॉर्मेशन टू अचीव दिस गोल, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ MIS, ये है कि MIS की फुल फॉर्म ध्यान रख लो, बेसिक मतलब ध्यान रखो, और राम कथा लिख रखी है मॉड्यूल में, वो इंग्लिश नहीं आती, कुछ क्वेश्चन अगर उसमें से बनता ना मैं डेफिनेटली बताता, कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा उनमें से, ठीक है। अब देखो मेरी बात,
ये अब इसके MIS क्यों जरूरी है? अगर कोई कंपनी डिसीजन मेकिंग करेगी तो उसमें ये बहुत जरूरी है, अगर कोई कंपनी को फंक्शन करने में बहुत जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूरी है, वो कंपनी को उसका वो बताता है कि वो अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, वो कंपनी को रियलिटी बताता है, ठीक है। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, प्रोवाइड्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। MIS क्या चीजें समझ में आई? ये मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये मैनेजर कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है जो कंपनी को बताता है कि आपकी कितनी सेल्स हुई, आपकी जो सेल्स हुई है ना, देखो एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई कंपनी है उसकी सेल्स हुई तो वो बताएगा कि आपकी कितने की सेल्स हुई, मान लो 1,000 करोड़ की सेल्स हुई, उसमें से कितने किस एज ग्रुप ने आपना आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो 18 से लेस ने आपका 90% प्रोडक्ट खरीदा और 18 से ऊपर वालों ने सिर्फ आपका 10% प्रोडक्ट खरीदा। मतलब इस कंपनी को इस ये वाला ग्रुप बेनिफिट कर रहा है। तो अगर ये कंपनी, ये जो कंपनी का सीईओ है, कंपनी का मैनेजमेंट है, अगर ये इसको ही टारगेट करेगा तो इसको बढ़ा सकता है, ये ही प्रॉफिट है, यहाँ से ही प्रॉफिट आएगा। तो जो अपनी डिसीजन पॉलिसीज निकालनी है वो इसके फेवर में निकालनी है, ऐसा ना हो कि इसके अगेंस्ट में निकाल दो अपनी कोई पॉलिसीज तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ये कंपनी के अंदर ही सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो टाइम टू टाइम कंपनी को बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रही हो, आप क्या करो, आपकी फ्यूचर पॉलिसीज के अंदर क्या चीज़ें एडिशनल होनी चाहिए। तो ये अपनी आज ये अपना MIS हो गया। आज बहुत डिस्टरबेंस है बाहर पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो तो शूट करनी ही है, ठीक है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हो गए हमारे, देखो एलिमेंट्स दे रखे तीन, क्या दे रखे? MIS कोई तोड़ के बना दिया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट्स क्या है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स क्या है इसके, यही तीन है। अब देखो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इसको पढ़ना, लेइंग डाउन ऑफ सर्टेन प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है, मैन और मनी को गैदर करता है, मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कुछ करना तो उसके लिए मैं पैसा और जो उसको अचीव करेगा मैन मैन पावर उसको मैं गैदर करूंगा, उन सबको मैं बोलूंगा काम करो, और उनको काम करने के बदले मैं उनको रिवॉर्ड्स दूंगा, उनको पैसे दूंगा। मेरे को मेरा घर कंस्ट्रक्ट कराना है तो मैं पहले उसके अंदर सर्टेन पॉलिसीज बनाऊंगा, कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मैं वर्कर्स हायर करूंगा, उनसे काम करवाऊंगा, फिर उनको पैसे दूंगा और एज अ थैंक यू कि आपने मेरा काम करा। तो मैनेजमेंट का काम यही होता है, सीईओ का काम यही होता है कि पॉलिसीज बनाए और लोगों से इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब देखो मेरी बात, कुछ भी नहीं है, चैप्टर कंप्लीट है, बस 5 मिनट का और बचा है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अरे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, और वो जो डेटा हमारे लिए काम, हमारे लिए यूजफुल है वो इन्फॉर्मेशन हो गया। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हर सिस्टम होता है कि सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलकर एक साथ काम कर रहा है। कार के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है, वो सब एक साथ मिलकर एक्सेलरेट करती है व्हील को, तब जाके कार आगे बढ़ती है, एक साथ दोनों व्हील को एक्सेलरेट करती है तब जाके कार आगे बढ़ती है। तो सिस्टम इज जस्ट अ टुगेदर कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग दैट इज प्रेजेंट इन द कंपनी, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, MIS होता क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अपन ने ये कर लिया। अब देखो मेरी बात, अब देखो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या, थ्योरी लिख रखी है, कुछ भी इनमें से नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनता, आप पढ़ के देखना खुद, ठीक है। इनका मेजर पर्पस हो रहा है, मेजर पर्पस यही है, डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आती है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ MIS क्या है, मैनेजमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो हर इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए किसी ना किसी यूजफुल तरीके से काम आ सकती है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम इज एवरीथिंग। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये और करते हैं। देखो सिस्टम है ना, कंपनी में तीन टाइप का मैनेजमेंट होता है, कंपनी में तीन टाइप का मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप लेवल पे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल पे बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, जो भी कंपनी के हेड्स है, तो बोर्ड के
तो ये सारा जो टॉप लेवल पे डिपार्टमेंट है उसे अपन बोलते हैं मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजिक लेवल, ठीक है। जो भी टॉप लेवल पे होता है उन सबको अपन बोलते हैं ये, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल और डिटरमाइन द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। यही लोग जो सीईओ है, यही सारी लोग पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, ठीक है। अब मिडिल लेवल पे क्या होता है, देखो तीन लेवल होता है। एक तो अपने स्कूल में देखो प्रिंसिपल होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और फिर उसके बाद टीचर्स होते हैं। प्रिंसिपल तो स्कूल के रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स से काम करवाता है कि टीचर्स अपना काम कर रही है नहीं कर रही। तो मिडिल लेवल का काम क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम है। एक्ट एज गाइडेंस टू सुपीरियर मैनेजमेंट। सुपीरियर मैनेजमेंट बोले तो थर्ड लेवल वाला मैनेजमेंट। एचओडी क्या करता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे स्कूल कॉलेज में जो उनके नीचे टीचर्स काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस देता है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इनको जो ये जो लोग गोल बनाते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फंक्शनिंग में लाना, उसको करवाना। और थर्ड लेवल क्या होता है, जो खुद काम करते हैं, जो खुद ये गोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, सुपरविजरी मैनेजमेंट। देखो कंपनी का तीन मैनेजमेंट होता है। देखो दोबारा समझो, जैसे स्कूल में तीन होते हैं, प्रिंसिपल टॉप लेवल, ये क्या करता है, ये फ्रेम करता है पॉलिसीज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है अपना मिडिल लेवल, ये क्या करता है, ये है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर करता है, सब चीज़ों को देखता है कि सब चीज़ें ढंग से हो रही है या नहीं हो रही, सॉरी, सब चीज़ों को देखता है कि सब चीज़ें ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद हमारा लास्ट लेवल क्या होता है, सुपरविजनरी, मतलब ये खुद करता है, ये सारी टीचर्स खुद टीचिंग का काम करती है, सारी टीचर्स खुद पढ़ाती है, तो इनका काम ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल लेवल हो गया। तो अपन को इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, तीन लेवल होते हैं। टॉप लेवल का नाम है स्ट्रैटेजिक लेवल, जो स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। मिडिल लेवल का नाम है टैक्टिकल लेवल, जो चीजों को एडमिनिस्टर करता है। और थर्ड लेवल का नाम है सुपरविजनरी, जो ऑपरेशन मतलब चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ये तीन लेवल हो गई कंपनी के। इसके बाद हम करते हैं, अगर हमें MIS कहीं पर स्टैब्लिश करना है तो क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए प्रॉपर, जो जिसके अंदर आपके एप्लीकेशंस रन करेगी। एक डेटाबेस होना चाहिए, कंपनी का इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए जिनको आप कंप्यूटर में डालोगे, एक डेटाबेस होना चाहिए। ऑपरेशनल पर्सन होना चाहिए जो इन चीज़ों को ऑपरेट करेगा। अरे कोई वर्क, कोई कंप्यूटर के अपने आप काम करता है, कोई तो होना चाहिए ना कंप्यूटर जो उसको मैनेज करेगा। और एक मैनुअल बुकलेट होनी चाहिए कि भाई इनको मैनेज कैसे करोगे। आपने हार्डवेयर भी ला दिया, सॉफ्टवेयर भी ला दिया, अब इनको आप चलाओगे कैसे, ये कहाँ लिखा है, ये एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुकलेट में होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MIS इन अ कंपनी इज दैट वी शुड हैव हार्डवेयर, वी शुड हैव सॉफ्टवेयर, वी शुड हैव अ डेटाबेस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, वी शुड हैव अ ऑपरेशनल पर्सन, एंड वी शुड ऑल्सो हैव द प्रोसीजर दैट हाउ टू रन दिस डेटाबेस सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट ऑफ MIS भी हो गई। अब देखो मेरी बात, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है अपनी बुक में बहुत सारी, इनको एक बार पढ़ के इग्नोर मार दो। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं पूछेगा ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तुम्हें बेसिक MIS पता है, तुम आंसर कर लोगे। देखो MIS कंप्यूटराइज्ड होता है, सबको पता है। क्वालिटी क्राइटेरिया से होता है, अगर मेरे को इतनी की क्वालिटी चाहिए, मतलब अगर मेरे को 18 से अबव का डेटा चाहिए तो मैं उसमें स्टोर करके उनको इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। फ्लेक्सिबल होता है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ये कंप्रेंसिव होता है, मतलब बहुत जल्दी अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इंग्लिश के बड़ी बड़ी लाइनें दे रखी है और इनमें कुछ भी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हो गया। आप इनको पढ़ लो, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा ना कभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है तो आप कर लोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसकी भी लिमिटेशन होती है, कई बार कंपनी अपना डेटा शेयर करने के लिए मना करती है राइट टू प्राइवेसी के कारण। कई बार क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है, कंपनी बहुत जल्दी, लोग अपने विचार बदल देते हैं, सोसाइटी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, तो इसी कारण ये इफेक्टिव नहीं होता, ऐसे ही लिमिटेशन दे रखे। तो अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। देखो मेरी बात,
टॉप लेवल कर लिया अपन ने, टॉप लेवल क्या होता है, उसके बाद अपन ने ये मिडल लेवल कर लिया क्या होता है, सुपरविजरी लेवल कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। ये सिर्फ MIS की एडवांटेज बता रहे, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। अभी मैं आपको मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये सब कर लिया अपन ने, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ MIS कर ली और लिमिटेशंस कर ली, इनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात, अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अब देखो, अ लेटर हेड कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपन ने लेटर हेड के अंदर पढ़ा था, लेटर हेड के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंपनी का लोगो होता है, नेम होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लेटर हेड में गिवन है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। कॉन्फिडेंशियल का कॉन्फिडेंशियल किस में आता है, सुपर मार्किंग के अंदर आता है। ये मैंने आपको बिजनेस लेटर के अंदर, जब बिजनेस लेटर को लिखने का तरीका बताया था, तो मैंने बार बार बोला था, जो दो तीन नए वर्ड है ना, अटेंशन लाइन और स्पेशल मार्किंग, इनको ध्यान रखना। रिपोर्ट कहां से डिराइव है, रिपोर्टर से डिराइव है, इसका मतलब होता है टू कैरी ऑन द इंफॉर्मेशन। जिसने इंफॉर्मेशन को विटनेस नहीं करा, आप उनको ले जाकर रिपोर्ट प्रेजेंट करो। ठीक है, अब ये क्या होता है, अ डैश इज यूज फॉर डिसमेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज नंबर के लिए कौन होता है, ऑफिस सर्कुलर। मेमोरेंडम किसके लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए, और ऑफिस ऑर्डर फॉर्मल टाइप होता है। ये अपन ने सब डिस्कस कर चुके हैं। MIS का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत ईजी है, इनमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। मैं नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा, चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और इसके MCQs जल्द आएंगे। एक बार मैं थोड़ा कोर्स कंप्लीट करा लूँ, फिर अपने MCQs भी आएंगे। ये मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा नोट्स, और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें सारे नोट्स अपडेट होएंगे, पूरा CACET का कोर्स आएगा। अब एक बार देख लो, बिजनेस लेटर में क्या याद रखना है, इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है कि भाई किस चीज़ में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल क्या होती है, वो सारी चीज़ें। टाइप्स हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल, ब्लॉक वाला क्या होता है, और मॉडिफाइड ब्लॉक क्या होता है, लेफ्ट और राइट वाला हो गया। बिजनेस मैसेज कर लिया, बिजनेस रिपोर्ट कर ली। इंटर इंट्रा में अपन को ये चार ऑर्डर ध्यान रखने हैं, और MIS के अंदर अपन को सिर्फ MIS का मीनिंग और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर क्या था, एक और चीज़ थी ना अपनी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे तो इग्नोर मारना, लिमिटेशंस हो रहे सब पढ़ लो बस एक बार। यह चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, इनके MCQs भी बहुत जल्द आएंगे, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक दो दिन का टाइम दो, सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।